हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं उसी नोट्स को कंटिन्यू कर रहा हूं जैसा कि आप इस बोर्ड पर दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है झारखंड के पर्यावरण परिवर्तन उपाय, उसी का एक पार्ट हम चल रहे हैं, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। आपको मैंने क्लास में इसके पहले में व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, कौन सा क्षेत्र बायोडायवर्सिटी में रिच मानी जाएगी, कौन पुअर मानी जाएगी, वो भी मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ हम ये भी देखे कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां जैव विविधता में इसे धनी देश मानी जाती है। यद्यपि झारखंड भी जैव विविधता में एक अनुकूल राज्य है, धनी राज्य है, परंतु विभिन्न कारणों से पूरे विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर, झारखंड के स्तर पर अब इस जैव विविधता में लॉस हो रही है, हानि हो रही है। ऐसे में उसको सुरक्षित रखने के लिए दो विधियां अपनाई जाती है, इन सीटू एग्जिस्टू, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू एग्जिस्टू। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सीटू का अर्थ क्या है और एग्जिस्ट सीटू का अर्थ क्या है, स्वस्थाने और परस्थाने संरक्षण में कौन सी बातें महत्वपूर्ण दिखती है या कैसे संरक्षण किया जाता है इस माध्यम से। ओके छात्रगण, तो नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका हेडिंग चल रहा था झारखंड में जैव विविधता, बायो डायवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो आप लिखिए नंबर वन, स्वस्थाने संरक्षण। लिखिए नंबर वन, स्वस्थाने संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थाने संरक्षण। और इसका पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, जब जीवों और पादपों के संरक्षण के उपाय उनके प्राकृतिक वास स्थान उसके प्राकृतिक वास स्थान जहां वो पहले से ही ग्रो कर रहे हैं, उनके प्राकृतिक वास स्थानों में ही किए जाते हैं, तो ऐसी विधि इन सीटू, संरक्षण विधि कहलाती है। उसमें लिखिए, इस प्रकार के संरक्षण द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर को
पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर को सुधारने का भी प्रयास होता है। इन सीटू संरक्षण के तहत राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क अभयारण्य वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य तथा जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए नंबर टू, पर स्थाने संरक्षण। एग्जिस्ट सीटू पर स्थान संरक्षण, एग्जिस्ट सीटू कंजर्वेशन पर स्थान संरक्षण। इसमें लिखिए आप लोग, जीव जंतुओं, सेकंड पॉइंट का है, इसका पहला पॉइंट है जीव जंतुओं और पादपों के कुदरती स्थान, जीव जंतुओं और पादपों के उनके प्राकृतिक वास स्थान तेजी से नष्ट हो रहे हैं, उनके प्रकृति वास स्थान तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में उनका वास स्थान ही नष्ट हो जाता है तो उनका वास स्थान ही नष्ट हो जाता है तो ऐसे में संरक्षण की संभावना भी खत्म हो जाती है। संरक्षण की संभावना खत्म हो जाती है। उसमें लिखिएगा, क्षतिग्रस्त वास स्थानों में भी संरक्षण के कारगर उपाय नहीं हो पाते और ये उपाय व्यवहारिक भी नहीं हो सकते क्योंकि जो प्राणी संकटग्रस्त अवस्था में है
क्योंकि जो प्रजाति यानी कि प्राणी जीव जंतु क्योंकि जो प्राणी प्रजाति संकटग्रस्त अवस्था में है उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जो क्षतिग्रस्त वास स्थानों में संभव नहीं हो सकता, जो क्षतिग्रस्त वास स्थानों में संभव नहीं होती, जो क्षतिग्रस्त वास स्थानों में संभव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ऐसे में संरक्षण एवं बचाव के लिए एक्स सी टू संरक्षण विधि को अपनाया जाता है। एक्स सी टू संरक्षण विधि को अपनाया जाता है जिसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों के बीच बैंकों जिसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को बीज बैंकों सीड्स बैंक बीज बैंकों वनस्पतिक उद्यानों बोटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यानों चिड़ियाघरों तथा जंतु उद्यान तथा जंतु उद्यानों आदि में रखकर उनके संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। ये उपाय मानवीय निगरानी में किए जाते हैं। नेक्स्ट में लिखिए पैरा, उसी का नेक्स्ट पैरा, वर्तमान समय में पूरे विश्व में संरक्षित क्षेत्रों रिजर्व एरिया प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों नेचुरल रिजर्व एरिया संरक्षित क्षेत्रों उद्यानों व अभ्यारण्य वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उद्यानों और अभ्यारण्यों की संख्या एक लाख इकसठ हजार है। उसी में झारखंड में जैव विविधता के संरक्षण के तहत एक राष्ट्रीय उद्यान
एक राष्ट्रीय उद्यान और अनेक अभयारण्य की स्थापना की गई है नेक्स्ट लिखिए, जैव विविधता नेक्स्ट पॉइंट में है। जैव विविधता संरक्षण के तहत सबसे पहले 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। जिसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी में है उसी में जैव विविधता और पर्यावरण पर केंद्रित यह एक प्रभावी और वैश्विक प्रयास था। फिर लेखिए नेक्स्ट पॉइंट उसी का। 1948 ईस्वी में पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने तथा उन पर उचित सुझाव देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN नाम है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN का गठन किया गया था उसमें लिखेगा इस संगठन के द्वारा विलुप्त कगार पर पहुंच चुके प्राणियों का एक डेटा तैयार करती है जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं।
नेक्स्ट लिखिए, जैव विविधता पर उन्नीस सौ बानवे का ब्राजील का रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत के हैदराबाद में नेक्स्ट पॉइंट में है भारत के हैदराबाद में अक्टूबर 2012 ईस्वी में जैव विविधता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसे कोप 11 के नाम से जाना गया। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा गया। जिसका थीम वाक्य था प्रकृति रचिता। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का क इसके अलावा अनुच्छेद 51 का क इसके अलावा 51 का क का छ इसके अलावा अनुच्छेद 51 का क का क का छ में कहीं ना कहीं जैव विविधता से संबंधित पर्यावरण संरक्षित करने एवं
इसे नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है। उसमें लिखिएगा, जैव विविधता पर हुए विभिन्न सम्मेलनों, जैव विविधता पर हुए विभिन्न सम्मेलनों व समिट, विभिन्न सम्मेलनों का एक सदस्य होने के नाते भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। पारित किया जो जैव विविधता के ह्रास को रोकने एवं भारत को जैव विविधता में कैसे धनी बनाया जाए उसका इसमें प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। हेडिंग दीजिए, हेडिंग है झारखंड में जैव विविधता की स्थिति। जैव विविधता की स्थिति। देखिए इसमें झारखंड में जैव विविधता की स्थिति हेडिंग होगा। और इसका पहला पॉइंट लिखिए, झारखंड की जलवायु तथा उसकी भौगोलिक विशेषता या उसकी भौगोलिक स्थिति झारखंड को जैव विविधता में काफी धनी राज्य बनाता है, झारखंड के जंगलों में, उसमें लिखिएगा, झारखंड के जंगलों में कई तरह के पेड़ औषधीय पौधे, घास, फूल इत्यादि मौजूद हैं। यहां पर पिठौरिया घाटी, नेतरहाट की पहाड़ी, सारंडा का जंगल, पारसनाथ की पहाड़ी, दालमा की पहाड़ी इत्यादि जैव विविधता से परिपूर्ण है।
Next point. झारखंड में बहने वाली नदियां कोयल, दामोदर, कोयल, दामोदर और सोन रेखा के क्षेत्र में और सोन रेखा के क्षेत्र के जंगल जैव विविधता में धनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नेक्स्ट पॉइंट में है। पर्यावरण संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन का अधिकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार को है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में जैव विविधता की सर्वाधिक हानि वनों की कटाई से हुई है। ऐसे में सरकार का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ प्रजातियों के वृक्षों को बचाना भी है। जैसे अफ्रीकी मूल का एक वृक्ष है कल्पतरु वृक्ष, जो चिकित्सीय महत्व का वृक्ष है, जिसकी संख्या भारत में मात्र नौ है, जिसमें चार तो झारखंड के रांची में है। रांची में है। तो छात्रगण, अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं और वो टॉपिक है झारखंड में जैव विविधता। ये झारखंड में जैव विविधता की स्थिति। अभी तक हम लोगों ने समझा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है, किसे जैव विविधता में धनी मानी जाएगी और किसे नहीं, ये आप फर्क अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैव विविधता का अभी ह्रास हो रही है, बचाने के दो उपाय हैं, इनसीटू और एक्सीटू, स्वस्थान और परस्थाने। इस संदर्भ में विश्व में प्रयास क्या किया गया है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा क्या प्रयास किया गया है, कैसे इस पर एक अधिनियम पारित किया गया है, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई है, विश्व में इसका मुख्यालय कहां है, साथ ही साथ
अब हम ये देख रहे हैं कि झारखंड जो जैव विविधता में एक धनी राज्य है उसकी स्थिति वर्तमान में कैसी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसी झारखंड के जैव विविधता की वर्तमान स्थिति कैसी है उसी पे पुनः हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।